Good afternoon, everyone. Okay, I welcome all of you to this new batch and आज मैं आपके साथ details share करने वाला हूँ. Ready हैं आप लोग? तो next 4 minutes, I'll not take much time. Next 4-5 minutes मैं CA inter batch जो अब November 2024 के लिए नया batch शुरू होने वाला है, उसके बारे में इस video में बात करूँगा. सबसे पहले it's a 100-mark paper, as all of you know, जिसमें 30 marks MCQ आने वाला है. 30 मार्क्स एमसीक्यू, और ये एमसीक्यू वन लाइनर एमसीक्यूज नहीं होंगे. इट विल बी अ मिक्स बैग. देयर विल बी एन इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो एनालिसिस फॉर यू, जहां पर एक स्टोरी की तरह आपको एक केस सिनेरियो दिया रहेगा, उस पर बेस्ड एमसीक्यू होगा. सो 30 एंड 70 मार्क्स योर नॉर्मल लॉ. सब्जेक्ट के नाम को हम लोग बोलते हैं बेसिकली, उसमें कंपनीज एक्ट भी है, अदर लॉज भी है. तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. वैसे तो आपने ये चेहरा और ये नाम पहले भी सुना होगा. मैं हूं अमित बच्छावत. उम्र सिर्फ 24 years, मतलब 24 साल से मैं टीचिंग करियर में हूं. वैसे उम्र 45 है, बट आई एम, वैसे लोग 24 साल का बोलते हैं मुझे. यस और नो? थैंक यू फॉर गिविंग मी द कॉन्सोलेशन प्राइज. नाउ सबसे पहले दो इंपॉर्टेंट चीजें, बैच टाइमिंग्स क्या होगा, क्या बुक्स हम लोग फॉलो करेंगे और हम लोग पढ़ेंगे कैसे. सबसे पहले एक बात मैं बताना चाहूंगा, दैट आवर टीचिंग मेथोडोलॉजी विल बी लिटिल डिफरेंट. हम लोग क्लास में समझेंगे, समझने के बाद मैं क्रॉस एग्जामिन करूंगा, मैं व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा आपको पहले की तरह इरिटेट करूंगा, तकादा दूंगा. जैसे कल मैंने आपको पहले भी कभी बोला होगा कि अरे नेटफ्लिक्स बंद करो, ये रिविजन देखना शुरू करो, तो वैसी चीजें अभी भी होंगी. तो यानी कि आप अगर लाइव ऑनलाइन ले रहे हैं कैलकटा में और बाहर में, तो भी मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा. वी विल इरिटेट यू बाय रिपीटेड रिमाइंडर्स. आपको बोला जाएगा टेस्ट दीजिए, आप नहीं देंगे, फिर बोला जाएगा, बट धीरे धीरे क्या होगा, ये नफरत प्रेम में परिवर्तित हो जाएगा और आपको सब्जेक्ट और टीचर दोनों से स्नेह हो जाएगा. सो लेट्स बी रेडी फॉर द मैजिक. बट उसके पहले नंबर वन, फर्स्ट अप्रोच, बैच टाइमिंग्स. बैच टाइमिंग्स क्या होगा, इसको लेकर बहुत लोगों का क्वेरी हो रहा था. तो एज यू मस्ट हैव सीन द लिस्ट ऑफ आर ग्रुप टीचर्स, हम लोग जो सब मिलकर आपको पहले भी ट्रेन किए थे और अभी भी कर रहे हैं, अकाउंट्स कॉस्ट एफएम, उनके टाइमिंग्स, कॉस्ट एफएम के टाइमिंग्स यूजुअली 11 बजे के रेंज में हैं, अकाउंट्स 1:30. तो ये टाइमिंग्स को ध्यान में रखते हुए कि आपके टाइमिंग्स, ये मेन टीचर्स और आपके जो मेन सब्जेक्ट्स हैं एक्चुअली, इनके साथ क्लैश ना हो, वी हैव डिजाइन द टाइमिंग एज लाइक दिस. 5 days a week, ओके, 4 days लेता, बट क्योंकि क्लास के ड्यूरेशन कम कर दिए गए हैं, कीपिंग इनटू कंसिडरेशन योर अदर टाइमिंग्स, अदर सब्जेक्ट टाइमिंग्स, तो वी विल बी स्टार्टिंग एट 9:15 एंड इट विल एंड बाय 10:45. सो 1 hour 30 minutes प्योर पढ़ाई वाली, छोटे सेशंस होंगे, एक साथ सवा दो घंटा नहीं ले रहा हूं, बट ये छोटे सेशंस आपको कंफर्ट क्या दे सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी क्या दे सकते हैं. अगर आप बहुत दूर रहते हैं तो भी नींद पूरा करके आप यहां पर 9 बजे तक प्रवेश कर जाइए. अगर आप सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता, जो कि एक कॉलेज है, सॉरी एक स्कूल है, जहां पर टाइम से पहुंचना पड़ता है, वहां अगर जब ब्रेक होता है, उस ब्रेक में आप निकल जाइए और यहां 9:10 तक पहुंच सकते हैं. सो वी हैव डिजाइंड इन सच अ वे कि जेवियर्स वालों बच्चों का अटेंडेंस भी बरकरार रह जाए पार्शियली, एंड दे कैन अटेंड द क्लास लाइव इफ दे वॉन्ट, इंस्टेड ऑफ कीपिंग द क्लास from 8:30 or 8:40, which I earlier had plans to keep it in to that scenario, but abhi humne wo change kar diya hai. To 9:15 se kar diya hai humne timing to 10 till 10:45. Second aspect, ye timings aapke hain basically Monday, Wednesday, Thursday, Friday aur kabhi kabhi Saturday ya Sunday. हम लोग वैसा ही रखेंगे ताकि आपके दूसरे कोई ट्यूशन्स अगर हैं इधर उधर तो वो क्लैश ना करें. तो बैच टाइमिंग्स क्लियर है. फिर स्टूडेंट पूछता है आप पढ़ाएंगे कैसे, मैं वैसे ही पढ़ाऊंगा. एंड एज आई ऑलवेज से, टीचर एंड अ स्टूडेंट हमेशा इम्प्रूव करते हैं एवरी टर्म में, एंड इम्प्रूवमेंट इज अ कंटिन्यूअस एक्सरसाइज. मुझे कोई शर्म नहीं आता ये बोलने में, मैंने इस बार और अच्छा कर दिया. तो कुछ कोई पूछेगा पिछली बार गलत पढ़ाए थे सर, नहीं 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 नहीं, बिकॉज आई वॉन्ट टू रीडिजाइन कि अगर मैं एग्जाम दूं ये नए पेपर पैटर्न में, तो अब मुझे और क्या परिवर्तन करना चाहिए. एंड दैट गिव्स मी लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन दैट आई एम नॉट स्टैटिक. मैं लास्ट 22 साल से एक चीज नहीं पढ़ा रहा हूं. कई बार कोई रिलेटिव मिलते हैं शादी ब्याह में, तुम लोग का तो एक ही चीज है, एक ही चीज पढ़ा रहे हो. नॉट एट ऑल. इनफैक्ट अगर मैं 3 महीना पहले भी अगर मैं यूट्यूब में आपको क्लास देखोगे और अभी देखोगे, तो अचानक एक पुराना स्टूडेंट को कंप्लेन हो सकता है थोड़ा सा, सर इस बार तो और स्पून फीडिंग हो गया. तो यस, स्पून फीडिंग चरम सीमा पर, ताकि अगर बच्चा ट्यूशन लिया है तो दैट इज द ओनली रीजन वाई पीपल आर टेकिंग ट्यूशन, थोड़ा ईजी हो जाए. लाइफ इतना ऑलरेडी मतलब इतना बर्डन है जीवन में, तो आपके ऑलरेडी बहुत सारे कमिटमेंट्स हैं, तो उस कमिटमेंट को आप और निभा सके, पढ़ाई वाला कमिटमेंट मैं थोड़ा सा आपके लिए इजी कर देता हूँ. तो बैच टाइमिंग्स के अलावा देयर इज अनदर सिनेरियो, दैट इज
हाउ वी हैव टू स्टडी. क्लास में आप ऐसा पढ़ोगे कि 70% पढ़ाई यहां याद हो जाएगा, पर घर जाकर अगर तुम्हारे पास आधा घंटा हो तो आधा साल बच सकता है, 6 महीना बच सकता है. उसी दिन या विद इन नेक्स्ट 24 आवर्स आपको वो चीज रिवाइज कर लेना है क्लास में किया हुआ, और साथ साथ में लिखेंगे. मैं लास्ट 4 साल से बहुत लिखवाता हूं, बिकॉज देखिए पोस्ट कोविड थिंग्स हैव चेंज. जल्दी बैठ जाइए जो लेट आ रहे हैं. पोस्ट कोविड थिंग्स हैव चेंज, तो लोग उतने ज्यादा मतलब सिंसियर नहीं है, पर हम बना देंगे, चिंता मत करिए. तो पहले के बैचेस में राइटिंग वर्क की दरकार थोड़ा कम पड़ता था, बट नाउ लॉट ऑफ थिंग्स आर डन. कि कई बार तो पेन के रिफिल खत्म हो जाएंगे. एक बच्चा तो क्या मजाक में बोल के गया, पहले बताना चाहिए था ना आपको ज्वाइन करने से हमारे 200 रुपए एक्स्ट्रा लगते हैं. सो मेनी कलर पेन, सो मच चार्ट्स एंड एवरीथिंग इज ड्रॉन इन द क्लास. तो ये एक पेन रहेगा कि बहुत राइटिंग होगा, ताकि लिखते लिखते आप बहुत ज्यादा सशक्त तैयारी हो जाए और एग्जाम में एक ही बार एक ही सेंटर पर लिखना पड़े. तो बैच टाइमिंग्स, मोडस ऑपरेंडी कैसे पढ़ाया जाएगा, मोड हिंदी इंग्लिश. मुझे इंग्लिश बहुत अच्छा से आता है, आई कैन इंटरप्रेट, आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड, बट कीपिंग द डिमांड इनटू कंसीडरेशन इट विल बी मोर ऑफ हिंदी एंड लेस ऑफ इंग्लिश. ओके, तो बैच टाइमिंग्स है और कैसे लिखना चाहिए पेपर वो भी समझाया जाएगा. एक चीज मैं बताऊंगा, इन 2009 आई हैड सेट द सॉल्यूशन फॉर सीए इंटर पेपर व्हिच वाज सेट. उस समय अब बता सकता हूं, पुराना बात है, उस समय कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज था, आई वाज नॉट सपोज टू डिस्क्लोज. उस समय उत्तम प्रकाश अग्रवाल जी शायद प्रेसिडेंट थे. तो उस समय जब मैंने सॉल्यूशन सेट किया, मुझे पहले तो बहुत इरिटेशन लग रहा था, ये नहीं वहां से एक चेक मिलता है ऑफकोर्स सेट करने के लिए, बट दैट वॉज नॉट द इंस्पिरेशन. क्योंकि बहुत उनके डिमांड्स थे, हर पॉइंट पे आप कैसे मार्क्स देंगे, इस पॉइंट पे 2 है, इस पे 1.5 है, इस पे 1.5 है. तो उसके बाद 2009 ऑनवर्ड्स व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग इन माय बैच, मेरे को एक डिफरेंट इनसाइट मिल गया ऑल टुगेदर. मैं, मेरा आदत ही हो गया पढ़ाने के समय इंटर लेवल बैचेस में बोलने का, इस पे 2 है, इस पे 1.5 है, इस पे 1.5 है. तो दैट मेक्स अ स्टूडेंट रेडी फॉर स्टेप वाइज प्रिपरेशन व्हेन ही इज प्रिपेयरिंग फॉर हिज इंटर एग्जाम्स एंड ही कैन एक्सेल. एंड द सेम थिंग वॉज फॉलोड बाई मेनी ऑफ माई रैंक होल्डर्स, जो 8, 9, 11 बार काउंटिंग भूल गया हूँ कितनी बार फर्स्ट टाइम है अलग अलग कोर्सेज में, सीए सीएमए में. लास्ट किंजल अजमेरा, जो रिजल्ट 2022 फरवरी फर्स्ट वीक को रिलीज हुआ था, शी वाज ऑल इंडिया फर्स्ट. ऑफकोर्स स्टूडेंट्स बहुत सारे पढ़ते हैं, सब फर्स्ट सेकंड आना वी नेवर डिमांड, कि सबको फर्स्ट आना है कभी संभव नहीं है. इंजॉय करिए पढ़ाई को, ज्यादा ओवर एम्बिशियस नहीं होना चाहिए, मुझे फर्स्ट आना है. फर्स्ट आ गए वो एक प्रसादी है, सेकंड आ गए वो प्रसादी है, इंसिडेंटल प्रसादी ऑफ वर्किंग हार्ड. बट द मेन उद्देश्य शुड बी नॉलेज लेना है, ताकि नौकरी अच्छा मिले, इंटरव्यू में इंप्रेस कर पाए और जॉब में भी अपने काम से इंप्रेस कर पाए. तो बैच टाइमिंग्स, आवर वे ऑफ स्टडिंग इन द लेक्चर्स, ये बता दिया गया है. एंड लास्ट टॉपिक जो स्टूडेंट्स पूछते हैं, रेफरेंस बुक्स बता दीजिए. सर आपका सेंटर कलकत्ता के एक बेस्ट लोकेशन पे है, बगल में एशिया का बिगेस्ट बुक मार्केट है, गूगल करोगे तो पता चल जाएगा, कॉलेज स्ट्रीट. जाते वक्त सर बहुत सारा खरीद लेंगे, कुछ मत खरीदिएगा, बिकॉज हमारे यहाँ से आपको बहुत सारे कॉम्प्रीहेंसिव बुक्स मिलने वाले हैं एंड मोस्ट ऑफ देम आर कलर्ड बुक्स. आई वॉज इनिशियली अगेंस्ट द कलर्ड बुक, बट समय के अनुसार बदलना पड़ता है, आई एम अ वेरी मॉडर्न फ्लेक्सिबल टीचर. तो मैंने रिक्वायरमेंट के अनुसार बहुत सारे रंग भरे हैं एज पर कि कोर एरियाज क्या है और किस तरह आपको डिफिकल्ट टॉपिक्स पढ़ने में आसानी रहेगा. तो सारे बुक्स ऑलमोस्ट अब कलर्ड हैं सीए इंटर लेवल पर. 6 बुक्स दिया जा रहा है. नहीं सर इनके यहाँ ज्वाइन नहीं करेंगे कि बहुत ज़्यादा बुक्स दे रहे हैं. बुक्स को मैंने थोड़ा पतले पतले बना दिया, कैरी करने में इजी रहता है, रिवाइज करने में इजी रहता है, अगर एरिया में लोड शेडिंग हो तो हवा लेने में भी इजी रहता है. तो डिसएडवांटेज ऑफ 6 बुक्स बिंग क्रिटिसाइज, 5 बुक्स बिंग दैट अरे बहुत वाले लंबी है, बहुत डिटेल्ड वाले टीचर है. सारे टीचर्स अच्छे हैं, जिसकी भाषा समझ में आ जाए, जिसको जिससे पढ़ के आपको कॉन्फिडेंस हो तभी ज्वाइन करिएगा. कोई दबाव नहीं है, बस प्रभाव ये रहेगा दैट इफ यू हैव स्टडीड फाउंडेशन फ्रॉम मी एंड इफ यू स्टडी इंटर फ्रॉम मी अगेन, आई नो यू, यू नो मी, हम दोनों को एक दूसरे के नजर का आइडिया है कि आई कैन टोकोफाई यू, तुम या तेरा हैंडराइटिंग का प्रॉब्लम था, इस बार सुधरा है नहीं सुधरा. बाकी जगह आपको वो मोह माया नहीं मिलने वाला है, यू बी जस्ट ट्रीटेड लाइक अ सिंसियर स्टूडेंट, बट फॉर मी यू आर लाइक माई ओन चिल्ड्रन, ओन ब्रदर सिस्टर, जिस भी कैटेगरी में आप मुझे क्लासीफाई करना चाहें, अंकल, ताऊ जी, चाचा जी, या भैया जी, या फ्रेंड, वट एवर कैटेगरी यू वॉन्ट. ओके, तो आई विल नॉट टेक मच टाइम, ये सारे चीजें रेडी हैं. और अगर कोई क्वेरी हो तो लेट मी नो, माई फोन नंबर इज नोन टू एवरी वन, 9830259002. सो बैच टाइमिंग्स, द वे ऑफ एनालाइजिंग एंड वे ऑफ स्टडिंग एंड वट रेफरेंस बुक्स आर रिक्वायर्ड, एवरीथिंग क्लियर. सो लेट अस मीट सून, वेरी सून हमारे सोशल मीडिया पे अनाउंसमेंट आ जाएगा कि नया बैच फिर से कब शुरू हो रहा है. एंड देर आर वेरियस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस व्हेन यू गो एंड पे द प्राइस, टैक्स, लॉ अकाउंट्स टैक्स, कॉस्ट, एफएम. और कई लोग समझते नहीं है, मतलब घर वालों का पैसा भी लगा देते हैं, लॉ का अलग पेमेंट करवा दिए, अकाउंट्स का अलग करवा दिए, तो यू कुड हैव क्लब्ड एंड पे फॉर द दो सब्जेक्ट्स जो कॉम्बो में है.
तो कॉम्बो के पीछे भी मत दौड़िए, डिस्काउंट के पीछे भी मत दौड़िए, जो आपको बेस्ट लगे करिए, इट्स योर डिसीजन। मेरा उद्देश्य था आप तक सही खबर पहुंचाने का। ऑल द बेस्ट, बाय।